इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, सूखे हुए नारियल का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए मैंने इसको भी पीस लिया है और ये ना एक तरह का कोकोनट मिल्क टाइप का बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो करीब 4 टेबल स्पून समझ लें आप इसमें देसी घी डाल दें। और जैसे ही घी हल्का सा पिघलेगा हम इसमें डाल देंगे ये सूजी जो कि हमने पीस के रखी थी। गैस की फ्लेम को हमें एकदम धीमे रखना है और इस सूजी को कम से कम 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। तो एकदम धीमे का मतलब है कि लो से थोड़ा सा ज्यादा और मीडियम से थोड़ा कम। इसको हम चलाते रहेंगे और 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। तो ये देखिए सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे ना एकदम डार्क ब्राउन नहीं कर देना है सूजी को, बस इतना ही भूनना है। मतलब आप 5 से 6 मिनट भूनेंगे तो सूजी उतने में आ जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप शक्कर। तो जितना हमने सूजी लिया था बिल्कुल उतना ही शक्कर डाला है मैंने इसमें। इसको हल्का सा हम एक बार मिला देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे कोकोनट मिल्क जो हमने तैयार किया था। गैस की फ्लेम हमें यहाँ धीमी ही रखनी है और बस इसको अब हम लगातार चलाते जाएंगे। तो जो मिक्सी का जार था मैंने उसमें थोड़ा सा दूध और डाल के सारा बचा हुआ कोकोनट मिल्क निकाल के इसमें डाल दिया है। बस अब हमें क्या करना है, इसको धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है। तो ये जो शक्कर डाली है ना हमने, वो भी अपना पानी छोड़ेगी और कोकोनट मिल्क तो इसमें है ही। तो पहले ये थोड़ा सा लूज होगा मिक्सचर, पर आप इसको लगातार चलाते रहें। और इस स्टेज पे ना हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून भर के इलायची पाउडर। तो आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर रख सकते हैं। आप इसमें केसर डाल सकते हैं, आप इसमें रोज एसेंस डाल सकते हैं, केवड़ा, आपको जो भी पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। और बस धीमी आँच पे हम इसी तरह से इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक भून लेंगे। तो ये जो मिठाई है ना, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब आप बस 2 से 3 दिन रख के इसको खाएं, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो आज हम ना क्या करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे। आप बर्फी जमा सकते हो, पेड़े बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो, पर मैं आपको ना आज इसके पेड़े बना के दिखाऊंगी। और इस पेड़े में ना आपको सूजी के हलवे और कोकोनट बर्फी दोनों का ही टेस्ट आने वाला है मिक्स। बहुत ही अमेजिंग लगती है। और आपने देखा बिल्कुल घर के बेसिक सामान से हमने इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट में इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ना ये आपस में आप इसको इकट्ठा कर पा रहे हो। और अगर आप इसको हाथ में लोगे ना इस तरह से, तो आप इसको अच्छे से इस तरह से बांध पाए, तो उसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे और हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। मिक्सचर अब हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हाथों में लेंगे और अच्छे से स्मूथ करेंगे। तो बहुत ही आराम से ये स्मूथ हो जाएगा और बस इसके इस तरह से दबा के हम पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े तैयार कर लूंगी। और इन पेड़ों को मैं क्या करूंगी, इस तरह से कोकोनट के बुरादे में एक बार हम लपेट लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये जो बुरादा है वो निकले नहीं। और बस आप इसको गार्निश कर लें थोड़े से कटे हुए पिस्ते के साथ, या फिर आप कोई भी नट अपनी पसंद का इसमें लगा सकते हो, या फिर आप बिना नट के भी खा सकते हो। और ये मेरे पास थोड़ी सी फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियां थी, मैं इस पे ये डाल देती हूँ। इससे ना देखने में खूबसूरत लगते हैं, और कोई बात नहीं है। तो आपने देखा ना कितना आसान, घर के बेसिक सामान से सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये स्वीट बना के खा सकते हो आप। स्टोरेज इसका जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ 1 से 2 दिन ही हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें काफी सारे दूध का इस्तेमाल किया है, तो दूध वाली मिठाइयां ज्यादा नहीं चलती हैं। तो ट्राई करिएगा और फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।